अरे ये तो मेम साहब का है। आओ मेम साहब, आपका छोला। थैंक यू। मैं चलता हूं, अगर कुछ काम हो तो बुला लेना। अच्छा सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मेम साहब। मेम साहब, मेरा नाम लक्ष्मी है और ये मेरा भाई गोपाल। अच्छा भैया चलो। अच्छा किया आपने उसको डरा दिया। भैया अरे तुम कहाँ खो गए? कुछ नहीं। चलो ना भैया। मुझे लग कौन है? ओए होए, आज जा मेरे राजा तंबू खाड़ के। अरे अरे आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ तेरे राजा का बैंड बाजा बजा हुआ है। काहे दूसरी शादी कर ली है का? तेरी वजह से हम पहली के पास नहीं जाते तो दूसरी भैंस कौन पालेगा? तो रोज काहे अलग अलग भेष में भैंसा बनकर आते है? का करे, मजबूरी है, गांव में कोई हमको पहचान न लेना इसलिए। अच्छा ऐश भी करना चाहता हो और गांव वालन की नजर से बचना भी चाहता हो? अब कहा है कि नाव चलाते चलाते पैसा कम और इज्जत ज्यादा कमाई है, तो इज्जत में जरा फर्क नहीं आना चाहिए ना? अरे हट रे इज्जत के पुतले, हमारी इज्जत नहीं है करे? नहीं तेरे पास तो गांव भर की इज्जत गिरी पड़ी है, तो कोई इज्जत की क्या जरूरत है? अरे फर्क की का है कोई यार, हम पहले ही बहुत परेशान है। का है तू जैसन भैंसे से तंग आकर तोरी जुरुआ भाग गयी का तम्बू खाड़ के? ए, हम भैंसा है का? भैंसा तो साला हमारे लिए गोपाल बन गवा है, जो गेंडे की तरह सिंग मारता है, न हमारी नाव चलती है न जेब में फूटी कौड़ी बचती है। एक काम कर। का? तू ओका हिया भेज दे। का मतलब हमारी जेब खाली तो हमको गाली? अरे नहीं रे, तू उस सुसरे गोपाल को हिया लाए के फूल सुंगाने की आदत डाल दे। नहीं, नहीं। फिर देख जैसन भौरा रस पी जाते ना, हम ऊका निचोड़ के ऊका रस पी जा तम्बू उखाड़ के। फिर ना तो नाव चलाने के काबिल रहेगा ना ही तो हर रस्ते में आएगा, बस हिया ही पड़ा रहेगा। हम ऊका ऐसन रस पिलाएंगे के उकी। अरे नहीं नहीं, अपना बच्चा है कुछ भी हो उसको कुछ नहीं करना। देख अगर पिलाना ही है तो प्यासे तो हम हैं, जरा हमको पिलाई दे। आज जरा उधार में पिलाई दे, कल उधार चुका ही देंगे। जमाई का ले रही है यार, अपनी जुड़वा के जेवर बेच बेच के तो को खिलाया पिलाया है आज तक। अच्छा बाबा चल जमाई देते, तू भी कहा याद करेगा। अरे कहाँ गई चमेली? नहीं जरा हमारी गर्दन टेढ़ी हो गई। मर कर कसम हमारे नाव की का नगीना ढूंढ के लाई है। वो हमारी छोटी बहन है रे तम्बू उखाड़ के। अच्छा वैसे देख के तो हमारा नशा दुगना हुई है। अरे हिया देख, नशा चार गुना हो जाएगा। है पर वो जो नगीना है वो तुझ जैसे कड़के के लिए नहीं रे। गाँव में आए किसी अमीर शहरी बाबू की अंगूठी में जड़ूंगी उसे। चंद्रा अंदरा। क्या नहीं ऐसी चंद्रा। हाँ चित्रा जी जी, बत्ती बुझाए के सो जा, हमरे भी सोने का बखत हुई गवा है। चल हाँ जी जी। वहाँ भीग कैसी? कम ऑन गर्ल्स आओ देखे वहाँ क्या हो रहा है। सजना आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों के बीच इस जिले के कलेक्टर साहब पधारे हैं, तो मैं आप लोगों की तरफ से यह हार उनकी खिदमत में पेश करता हूं। धन्यवाद। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर हर बरस की तरह इस बरस भी कश्तियों की दौड़ होगी। आसपास के सभी गांव से
अपनी अपनी कश्ती लेकर बड़े बड़े वीर और बहादुर पधारे हैं। ये कश्तियों की दौड़ उस किनारे से शुरू होगी और जाएगी उस किनारे पर खत्म होगी। तो पानियों का सीना चीरकर जो वीर जो बहादुर सबसे आगे निकल जाएगा उसको कलेक्टर साहब अपने शुभ हाथों ई पुरस्कार इनाम देंगे। नाव की दौड़ शुरू की जाए। हर हर महादेव। गोपाल पहला नंबर आया है। हर साल की तरह इस बरस भी पुरस्कार गोपाल ने ही जीता है। वाह 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 गोपाल, बहुत बहुत मुबारक। शाबाश है गोपाल, शाबाश। सलाम कलेक्टर साहब। कॉन्ग्रेचुलेशन गोपाल, कमाल की नाव चलाई तुमने। भैया भैया, गोपाल इन कपड़ों में इतना हैंडसम लग रहा है, अगर अच्छे कपड़े पहनेगा तो कितना अच्छा लगेगा। हीरो लगेगा, हीरो। भैया भैया, भैया सुना तुमने, वो लोग क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? अगर तुम अच्छे कपड़े पहनोगे तो बिल्कुल हीरो लगोगे, हीरो।